हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवान इमरान। टीवीएस एंटार को बाइक को आके सेल्फ बेयरिंग जा गया है, देख सकते हो। सेल्फ बेयरिंग किट ले लिए है, जेन्युइन पार्ट है, 3010 रुपये, और मैग्नेट केस की पैकिंग आके 48 रुपीस। देख सकते हो, जो भी स्पेयर डाल रहे हो टीवीएस का सामान आके कंपनी का डाले अगर बोले तो करेक्ट से होती है बाइक आके, नहीं अगर बोले तो लोकल पार्ट्स डालने के बाद आके जल्दी से ट्रबल आई थी बाइक आके, ध्यान में रख लें। इस बेयरिंग का साउंड किस लिए है, कैसा आ रहा, क्या आ रहा बोल के वो भी बताएंगे। फर्स्ट आगे हम स्टार्ट करके बताएंगे, सुन सकते हो। इंजन तो भी परफेक्ट है और सेल्फ भी अच्छा उठा रही है बाइक आके, क्या रहा बोले तो इंजन में साउंड देख सकते हो करके, क्या कि लगले के और घटे सर का साउंड आ रहा है बाइक में। सेल्फ की तो भी दिक्कत नहीं, क्या बोले तो इंजन में बहुत ज़्यादा साउंड आता आने से हमें इस बाइक को आके सेल्फ की बेयरिंग और किट चेंज कर डालेंगे। इस तरीके से साउंड आता है अगर बोले तो रनिंग में आके और ज़्यादा आया था साउंड आके, ध्यान में रख लें। टीवीएस बाइक के एंटायर बाइक के आके वही पार्ट्स डालें, कंपनी के बेयरिंग किट डाले अगर बोले तो करेक्ट से रहती बाइक आके और स्मूथनेस भी रहती, साउंड करने का नहीं आता। वो किस तरीके से चेंज करते क्या बोल के बताएंगे, और बेयरिंग आके किस तरीके से रहती क्या बोल के वो बताएंगे। देख सकते हो कंपनी आइटम है, जेन्युइन पार्ट डालें, तरीके से पूरी बेयरिंग किट आती एंटायर बाइक को। देख सकते हो व्हीलू और बेयरिंग सेट इस तरीके से पूरा किट डाले अगर बोले तो फिर ट्रबल नहीं आता, क्योंकि खाली सिंगल बेयरिंग चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि फिक्स्ड रहती सिंगल बेयरिंग आके इसकी, इसलिए हमें पूरी किट चेंज कर डालेंगे इसको। देख सकते हो इस तरीके से रहती बेयरिंग आके एंटार को बाइक की, हमें ओपन करके बताएंगे कि गाड़ी के ऊपर ही चेंज करते हैं नहीं इंजन पूरी डाउन कर लेना क्या करके बोल के वो भी बताएंगे। हम इस बाइक को गाड़ी के ऊपर ही चेंज करेंगे बेयरिंग आके, और एक दफ़ा बाइक को स्टार्ट करके बताएंगे क्या अगर बोले तो सेल्फ आके बिल्कुल भी ट्रबल तो नहीं, सेल्फ आके कंडीशन है देख सकते हो, मारते ही सेल्फ बाइक आके उठा डाल रहे हैं, सेल्फ हो जाती है बाइक को। इस तरीके से साउंड आया अगर बोले तो रनिंग में बहुत ज़्यादा आता अभी साउंड आके गजर, क्या कि लगे सर का क्या कि घटे सर का साउंड आया रहता, ध्यान में रख ले। इस तरीके से साउंड आया अगर बोले तो बेयरिंग चेंज कर दें पूरी किट, नहीं अगर बोले तो बेयरिंग और ज़्यादा डैमेज हो गई अगर बोले तो क्रैंक के बेयरिंग जाने की आवाज़ आती है इंजन में आके। सेल्फ तो भी क्या ट्रबल तो भी नहीं है, और साउंड के लिए हमें बेयरिंग को चेंज करें बाइक को, है सेल्फ तो भी कंडीशन है। ओपन करके बताएंगे क्या क्या ओपन करने के लिए है, बताएंगे पूरा। हो फर्स्ट आके हमें इंजन के मैग्नेट साइड के इस कवर को और मैग्नेट को साइलेंसर को पूरा ओपन कर लेना पड़ता, ओपन कर लेने के बाद आके गाड़ी के ऊपर ही चेंज कर डालेंगे इस बाइक को। देख सकते हो पूरे पैनल्स रहते, फर्स्ट आके पैनल्स को ओपन कर लेना पड़ता, इंजन के फैनो और पैनल्स पूरा ओपन कर लेके मैग्नेट को बाहर निकाल के बेयरिंग को चेंज करना पड़ता। वो किस तरीके से करते क्या रोबल के वो भी बताएंगे ओपन करके। दोस्तों इस तरीके से मैग्नेट और ऊपर के कवर्स पूरे ओपन कर लिया बोले तो हमको इस केस को ओपन करने के बाद आके मैग्नेट बेयरिंग पूरे ओपन हो जाती, इस तरीके से पूरा ओपन कर लेना पड़ता मैग्नेट और फैनो कवर्स पूरे ओपन कर लेने के बाद आके इस तरीके से केस को ओपन कर लिया, क्योंकि कायल नहीं निकालना पड़ता, फिक्स्ड है कायल, कायल्स के साथ ही सेट आया था केस आके, इस तरीके से ओपन कर लिया बोले तो ईजी रहता। देखेंगे ओपन करेंगे, बेयरिंग आके थोड़ा टाइट होने की वजह से व्हील आके इंजन किस तरीके से स्टार्ट होकर घूमती रहती है उसी तरीके से व्हील भी आके घूमती रहती है, इसलिए हमें देख सकते हो थोड़ा टाइट है व्हील आके, है टाइट होने की वजह से आके व्हील फिर रही है,
इसको सेट से चेंज कर डालना पड़ता। इस तरीके से नेट आता, नेट आने के बाद वाचर नेट ओपन कर ले रहे बोले तो बेरिंग सेट आई थी। सेट आने के बाद आके नई बेरिंग आके फिट कर ले सकते हैं। देखेंगे हमें ओपन करके क्या डैमेज है क्या नहीं करके। इस तरीके से नेट ओपन कर ले रहे बोले तो बेरिंग आई थी, ध्यान में रख ले। मार के नहीं ओपन करे, छन्नी हथौड़ी लेके मार डाल के ओपन करे यार बोले तो करांगे क्या आया था, ध्यान में रख ले। इस तरीके से मार के नहीं ओपन करे। देख सकते हो इस तरीके से बेरिंग सेट थी बाइक के आके। व्हील आगे थोड़ा टाइट होने की वजह से ही व्हील आगे घूम रही है। हमें पूरा सेट चेंज कर डालेंगे क्योंकि इस बेरिंग को आके अल्टर करे रहे बोले तो भी उतना लाइफ नहीं आता। चंद गाड़ियों के आके अल्टर कर सकते हैं। पल्सर को देखे रहे बोले तो बेरिंग नहीं डालना पड़ता, खाली बाल्स डाले रहे बोले तो भी काम चलता पल्सर बाइक को आके। और अपाची गाड़ियों को बेरिंग चेंज करना पड़ता ज़्यादा खास खास तौर से क्या रहे बोले तो टीवीएस के बाइकों को ही बेरिंग पूरा सेट डालना पड़ता, खाली बाउस डाले रहे बोले तो चंद दिन के लिए काम चलता, नहीं रहे बोले तो वो भी नहीं काम चलता। ध्यान में रख लें इस तरीके से बेरिंग को चेंज कर दें। फर्स्ट आके साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है बोल के खाली सिंगल बेरिंग आके अल्ट्रा करे रहे बोले कस्टमर आके, इसलिए हमें पूरा किट किट चेंज कर डालेंगे। देख सकते हो इस तरीके से पूरा ओपन कर लेना पड़ता सेल्फ बेरिंग डालने के लिए आके। सेल्फ बेरिंग डाले रहे बोले तो सेल्फ मारते वक्त आके साउंड आके नहीं आता और रनिंग में भी नहीं आता। सेल्फ बेरिंग थोड़ा भी डैमेज हुई है बोले तो बहुत ज़्यादा गलत साउंड आता एंटार को बाइकों को, और वो बेरिंग पूरी डैमेज हुई है बोले तो क्रैंक के बेरिंग जाने के बाद आके किस तरीके से साउंड आता कि उस तरीके से साउंड आता रहता, देख सकते हो। पीछे तरफ आके एक भी वाचर गीचर क्या भी नहीं, और इस तरफ आके एक कटिंग वाचर आया था। फर्स्ट आके हमको बेरिंग आके इस तरीके से लगा लेना पड़ता, ध्यान में रख ले। इस तरीके से लगा ले रहा बोले तो एक साइड आके फ्री से घूमती रही थी, एक साइड आके टाइट लॉक हो जाती बेरिंग आके, देख सकते हो एक साइड आके लॉक हो जाती। फिर आके इस तरीके से कटिंग वाचर रहता, कटिंग वाचर के बाद आके 27 नंबर का नेट रहता। इस नेट को आके मार के टाइट करे बोले तो क्रैंक आके आउट आ जाता और इंजन में साउंड बीडिंग भी आके थोड़ा चेंज हो जाती, ध्यान में रख ले। मार के नहीं टाइट करें, इस नेट को टाइट करने के लिए उस तरफ आके क्लच का नेट क्लच केस ओपन कर ले के, और क्रैंक को नेट आता और नेट आके एक साइड आके पकड़ लेके एक साइड आके लॉक करे बोले तो करेक्ट रहता। क्योंकि कुछ लोग आके छन्नी लेके मार डाल के टाइट कर डाल रहे हैं नेट आके, छन्नी लेके मार के टाइट करने के लिए वो क्या भी धारी का बोल्ट नहीं हुआ, और मैग्नेट का नेट को आके नहीं मारे, ध्यान में रख ले। इस तरीके से फिट कर लेना पड़ता और व्हील आके इस तरीके से रहती, देख सकते हो पूरा सेटिंग आके इस तरीके से रहता इंटार को बाइक का। नेट को टाइट कर लेके बाइक के ऊपर ही हमें टेस्ट चेक करेंगे क्या सेल्फ बेरिंग वर्क कर रही है नहीं वर्क कर रही है करके। हाँ मुझे